वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंदौर में मुस्लिम लड़की के साथ घूम रहे हिंदू लड़के की पिटाई, सीएम शिवराज ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मुस्लिम लड़की के साथ घूम रहे एक हिंदू लड़के की पिटाई कर दी गई, जबकि लड़की के साथ भीड़ ने कथित तौर पर धक्का मुक्की की। आरोपियों ने बीच बचाव करने आए लोगों पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को घटना के बारे में यह जानकारी दी कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक होटल से बाहर आने पर विभिन्न धर्मों की एक युवती और एक पुरुष के साथ कथित तौर पर मारपीट और धक्का मुक्की हुई। युवक युवती को बचाने आए दो लोगों पर चाकू से वार किया गया। उन्होंने बताया कि घटना का यह एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो गुरुवार रात शहर में हुई घटना का बताया जा रहा है। करीब 20 लोगों की भारी भीड़ में से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर एडिशनल डीसीपी ने दी जानकारी। इंदौर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश रघुवंशी ने बताया, गुरुवार रात एक होटल में हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की खाना खा रहे थे। होटल से निकलते समय कुछ मुस्लिम लोगों ने पीछा करके उन्हें रोका और इन लोगों ने लड़के के हिंदू लड़के के साथ घूमने पर आपत्ति जताई और कहा कि वो हिंदू लड़के के साथ क्यों घूम रही है। इन लोगों ने लड़के की पिटाई भी कर दी। एडिशनल डीसीपी ने कहा कि महिला ने उन्हें बताया कि वह अपने माता पिता को बताने के बाद हिंदू युवक के साथ रात को खाना खाने गई थी। मौजूद भीड़ ने जिस तरह से बर्ताव किया, लड़की ने उस पर भी आपत्ति जताई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब दो युवकों ने बचाने की कोशिश की तो भीड़ की तरफ से उन पर चाकू से हमला किया गया। यह पूरा मामला शहर के तुकोगंज थाने का है। यह देर शाम एक मुस्लिम युवती अपने हिंदू दोस्त के साथ खाना खाकर एक होटल से निकल रही थी, तभी दोनों को एक मुस्लिम लड़कों ने घेर लिया। उन्होंने लड़की से कहा कि बुर्का पहनकर। इन लड़कों ने लड़की को इस्लाम को लेकर भी कई तरह की नसीहतें दी। जब हिंदू लड़के ने उनका विरोध किया तो इन युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। सीएम शिवराज ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। तुकोगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया। अब तक इस मामले में 7 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। शर्मा ने कहा कि 23 और 26 साल के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बस ड्राइवर ने एक झटके में उतार दिए दो दर्जन यात्री, गजब नजारा देख हिल ही जाएंगे। सड़क पर हादसे से जुड़े वीडियो आए दिन सोशल मीडिया के जरिए हम देखने को मिलते हैं। ये तो हादसे सभी खतरनाक होते हैं और लोगों को काफी चोटें भी आती, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते जिन्हें देखते ही हंसी छूट आती। लोगों को भले इसमें चोटें लगी हो, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है कि हंसे बिना कोई रह नहीं पाता। सोशल मीडिया पर अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया, जो एक बस ड्राइवर और यात्रियों से जुड़ा हुआ है। इसमें एक बस के ऊपर कई लड़के सवार होते हैं। मालूम होता है जैसे ये स्कूल या कॉलेज के लड़के हैं, लेकिन तभी फ्रेम में जो कुछ कैद होता है वो किसी को भी चौंका कर रख देगा। बस से गिरे पड़े दर्जनों यात्री सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बस में जगह ना मिलने पर कई लड़के उसकी छत पर चढ़ जाते। बस पूरी तरह से ढसाढस भरी पड़ी होती है। सड़क पर बस के आगे दो बाइक सवार लड़के चल रहे होते। अचानक से लड़कों को शरारत सूझती है और वो बस को देखते हुए उसके आगे आकर गाड़ी रोक देते। अचानक बाइक देख बस वाला ब्रेक लगा देता, जिसे छत पर बैठे लड़कों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे किसी फल की तरह बराबर बस से सीधा सड़क पर गिर पड़ते। जिस तरह से लड़के बस से गिर रहे उसे देख हर किसी की हंसी छूट रही है। बाइक वाले ने की शरारत। वीडियो में आप देखेंगे कि एक के ऊपर एक लड़के कैसे भरभराकर गिर रहे। साफ मालूम होता है कि सभी को चोटें आई होंगी। बाइक वाले लड़के ने भले ही शरारत की हो, लेकिन यह हादसा लड़कों पर भारी ही पड़ सकता है। यह वीडियो कहाँ और किस जगह का है, इसके बारे में कोई भी ठोस जानकारी अभी नहीं है।
वीडियो को इट्स रोलन नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया। वीडियो को अभी तक लाखों व्यूज भी मिल चुके हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महिला ने चेन्ना मेलम के साथ वायलिन से इलिया राजा की तमिल हिट मंगुइले पिंगुइले की धुन बजाकर सबको किया मंत्रमुग्ध। केरल के पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा चेन्ना मेलम के साथ वायलिन पर हिट तमिल गाना मंगुइले पोंगुइले बजाने वाली एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में ब्लैक जीन्स और टी शर्ट एक महिला को केरल के एक स्थानीय मंदिर उत्सव के दौरान चेन्ना मेलम के पुरुष कलाकारों के साथ वायलिन बजाते हुए दिखाया गया। चेन्ना वायलिन फ्यूजन के वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। इतना ही नहीं, यूजर्स ने प्रभावशाली महिला और उसके साथी कलाकारों पर खूब पैर लुटाए। गाना गाते गाते खेत में काम करती दिखी बुजुर्ग महिला जादुई आवाज ने जीता सबका दिल। सोशल मीडिया ऐप में यहाँ आपको ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब वायरल होने वाले हर कंटेंट सीधी जानकारी मिलेंगी। ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिखा गया है। लेटेस्टली द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया। सोशली पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं स्वीकार करती। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsty.com। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।